हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका गुण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है भैया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा, परंतु आपको यहाँ से नहीं, आपको एक फिगर बनाया जा रहा है और वहीं से आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे, हम जानते हैं भैया कि तीन अक्ष होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि तीन अक्ष होते हैं, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। ये तीन अक्ष हमने बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा अक्ष को मैं थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अक्ष पर मान लेते हैं कि जो तरंगे हैं वो गति कर रही हैं। इस पर मान लेते हैं ऐसे तरंगे गति कर रही हैं, तो एक तरंगे ऐसे गति कर रही हैं और एक तरंगे मान लेते हैं इसके जस्ट विपरीत दिशा में ऐसे गति कर रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो एक जो नीला वाला है उसे हम मान लेते हैं कि ये भैया विद्युत तरंगे हैं, जो इस पर क्या कर रही है, एक्स जो जेड अक्ष है इस पर गति कर रही है विद्युत तरंगे, ठीक है। और जो रेड वाला है उसे हम मान लेते हैं कि वो भैया चुंबकीय तरंगे हैं। वो क्या है भैया, चुंबकीय तरंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये है चुंबकीय तरंगे जो इस पर गति कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक और बात आपको जानना होगा कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये एक दूसरे के क्या होंगे भैया, लंबवत होंगी। ये क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि ये एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्या वक्रीय दिशा में ये गति करेंगे। क्या भैया, ज्या वक्रीय दिशा में। एक ये पॉइंट्स को याद रखेंगे कि ज्या वक्रीय दिशा में गति करती हैं, देख रहे हैं ना, ज्या वक्री दिशा में ये क्या करती हैं, गति करती हैं। और एक दूसरे के विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को ज्या वक्री दिशा में गति करते हुए एक दूसरे पर मिलती हैं, देख रहे हैं ना, ये मिल रही हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो हम क्या लिखेंगे, जब ये एक दूसरे पर मिलती हैं, या इसे हम अध्यारोपित भी कह सकते हैं, अध्यारोपित होती हैं, या कह सकते हैं कि अध्यारोपित को कहते हैं मिलना, कि एक दूसरे पर मिलती हैं। तो मिलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया ना, जो तरंगे, जब ये विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी या मिलेंगी, तो जो तरंगे उत्पन्न होगी उसी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, डेफिनेशन हम बहुत ही सिंपल वे में कहेंगे कि विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्या वक्रीय दिशा में अध्यारोपित होने के पश्चात या होने के कारण, अध्यारोपित होने के कारण या मिलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भले ही लिख दिया हूँ, परंतु आपको मैं चाहता हूँ कि आपको फिगर से ही याद हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन इसीलिए लिख दिया जाता है पहले कि आपको समय बचे, ठीक है, कि जितना समय आपको लिखने में दिया जाएगा उससे ज़्यादा आपको समझाने में दिया जाए, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्या वक्रीय दिशा में एक दूसरे पर अध्यारोपण के पश्चात जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहीं से याद भी हो गया होगा डेफिनेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे भी हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, जो कि हमने यहाँ पे पांच गुण लिखे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुण, तो देख लेते हैं। तो हमने लिखा है विद्युत चुंबकीय के गुण, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि इनके निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक है। अब वो निम्नलिखित गुण कौन कौन से होते हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परस्पर लंबवत
होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण कह सकते हैं, गति कह सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है इन तरंगों के संचरण के लिए, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो ध्वनि तरंगे है ना, तो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो तरंगे यदि वायु ना हो तो वो तरंगे नहीं पहुँचेंगे, परंतु भैया जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वायु ना भी हो तभी वो क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिख रहा हूँ कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब क्यों नहीं होती है भैया, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा और इनकी गति की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। इसलिए भैया जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो भैया अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। तो आशा करते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे भी आपको समझ में आया होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो तरंगे होती हैं इसे हम ध्रुवित किया जा सकता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण होती हैं, ठीक है ना। तो आपको यह याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। अब ध्रुवित किसे कहते हैं, अध्रुवित, ध्रुवण, तो आपको इसको केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर ध्रुवण और ब्रदर्स डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अंतिम याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये अनावेशित होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। यदि आवेश होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाती, क्योंकि हम पूरी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों से घिरे हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही हम बात करते हैं, और यदि इनमें आवेश होता तो हमको भैया झटका लगता, ठीक है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनावेशित होती है, इनमें आवेश नहीं होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा और गुण बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है वीडियो, तो आपको लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप केवल मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।